भारत नेपाल मैत्री समाज ने मंगलवार को एम्स परिसर में 70 पौधों का पौधारोपण किया। इस संबंध में पूर्व सैनिक ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व सैनिक ने मिलकर पौधारोपण किया है। यह परिसर अभी नया है, आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारा योगदान लाभदायक रहेगा क्योंकि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, इसलिए सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं। इस दौरान परिसर में जामुन, अमरूद, आंवला, सागौन, नीम के पौधे को लगाया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा, मेजर जनरल शिव जायसवाल, कैप्टन सत्यनारायण, कैप्टन भीम प्रसाद, कैप्टन पी मिश्रा, कैप्टन सालिकज प्रसाद, कैप्टन भास्कर पांडे, कैप्टन ओपी यादव, एसएमबीके यादव, एमएस युगल प्रसाद, सूबेदार आरडी सिंह, सूबेदार एनएन तिवारी, सूबेदार एके पाठक, सूबेदार एसआर दुबे, भारत नेपाल मैत्री समाज अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त, उपाध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सैनिक ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा, पूर्व मेजर शिव जायसवाल व एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, ये भी लोग जाना चाहते हैं। मैं हूँ रिटायर्ड मेजर जनरल शिव जायसवाल। आज हम लोग जो रिटायर्ड फौजी हैं इकट्ठा होके जो नया इंस्टीट्यूशन बना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर फ्रूट्स के, फलों के पेड़ लगाने के लिए। तो हम लोग सब मिलके इसको कोई अपील लोगों से पेड़ लगाने के लिए कोई अपील लोगों से आई हैव नॉट अंडरस्टूड अपील कोई सभी लोगों से अपील है कोई पेड़ लगाने के लिए क्या? हाँ, ये तो भाई बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग सब जानते हैं। एक तो क्योंकि नया इलाका तैयार हुआ है, यहाँ पे हज़ारों पेड़ कटे होंगे, जो इतने सारे पेड़ कटे हैं उनकी जगह बहुत ज़रूरी है कि एक पेड़ कटा उसकी जगह कम से कम 3-4 पेड़ और लगाएं। और ऑक्सीजन तो यही है हम लोग के लिए, खासकर आजकल जब इसकी समस्या। मैं ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्रा, पूर्व सैनिक गोरखपुर। आज हम पूर्व सैनिक सेवा परिषद और वीर सेनानी जो गोरखपुर के लोग हैं, वो सब मिल के जो हमारा नया परिसर एम्स का बना है, उसमें हम लोगों ने पौधारोपण का प्रोग्राम चलाया है। और चूँकि ये परिसर नया है और यहाँ पेड़ पौधे अभी लग रहे हैं, तो हमारा ये योगदान आगे वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इस नए परिसर में भी जो थोड़ा बहुत हम लोगों का योगदान होगा, उससे इस परिसर की जो सुंदरता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि साहब, पेड़ जो है हमारा, हमारे लिए अति आवश्यक हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग पेड़ लगाएं, हर साल लगाएं, और अगर सभी लोग पेड़ लगाएंगे तो हमारा देश विश्व का सबसे ग्रीन देश बन जाएगा। और ऐसा ही प्रयास सरकार के स्तर पर भी हो रहा है। और हम अपने गोरखपुर वासियों से भी ये प्रार्थना करना चाहेंगे
कि सब लोग कम से कम एक एक दो दो पेड़ जो अवश्य अपने प्रीमिसेस में अपने घर के आसपास लगाएं। वृक्षारोपण हुआ है। असल में हम जब आए थे हमने तभी ये चीज़ का मतलब ऐलान किया था कि हम लोग अपने कैंपस को हरा भरा करेंगे, और उसी सिलसिले में हमने बल्कि दो तीन दिन पहले भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जिसमें हमने 100 वृक्ष लगाए हैं। और आज जो सिक्योरिटी हमारे यहाँ पर हैं, इन लोगों ने अरेंज किया था कि आज हम लोग एक और कार्यक्रम करेंगे पौधारोपण का, और हमारा एक सेक्शन है जो वहाँ पे लैंड का, वहाँ पे हम लोग ये सारे वृक्ष लगाएंगे। और आने वाले समय में शायद एक या दो हफ्ते में हम लोग 2500 वृक्ष और लगाने का हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराज जी योगी नाथ जी का भी इसमें एक श्रेय जाता है कि उनके ही एम को हम आगे कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने इतने करोड़ पौधे लगाए एक ही दिन में, तो हम चाहते हैं कि हम भी, हमारी भी उसमें सहभागिता रहे, स्टेट में नेशनल लेवल पे हम जहाँ भी हो सके हम कदम से कदम मिला के चलें और एम्स को आगे प्रगति की ओर ले जाएं। तो खाली हेल्थ ही नहीं, हम पर्यावरण और भी चीज़ें एक होलिस्टिक व्यू देखें और उस हिसाब से हम प्रगति करें। और हमारी आशा यही रहेगी आप लोगों से भी और बाकी सब लोगों से भी कि इसमें हम सब लोगों का सहभागिता होनी चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और बाकी जितने हमारे जो भी हम लोगों से जुड़े हैं वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ करके हमारी मदद करें और हमारे देश को सपोर्ट करें और हमारे प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को इस स्टेट को ऊपर करने में खूब मदद करें, हमारी आगे ले जाने में। ज़्यादातर देखिए हमने 200 पेड़ जैसे हमने जो प्लान किया था वो नीम के हैं, आंवला के हैं, अमलतास के हैं और कुछ फ्रूट के पौधे हैं, गुलमोहर के पौधे हैं। और मेडिसिनल प्लांट पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, खासकर जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया। तुलसी जैसे छोटा होता है, बड़े वाले वृक्ष में हम लोगों ने नीम के पेड़ पर ज़्यादा जोर दिया है। नीम है, आंवला है, जामुन है, ये वाले पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं ज़्यादातर, और आगे भी। और फ्रूट के पेड़ लगाएंगे जो आने वाली जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स रहेंगे और बाकी स्टाफ के लोग रहेंगे, उनको भी इसका फल प्राप्त होगा। हम यहाँ पे रहें ना रहें लेकिन आगे की जितनी जनता है उन लोगों के लिए शायद ये बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि वो पर्यावरण से और नेचुरल फ्रूट्स और फूड को खाने की उनको कैंपस में ही अवेलेबिलिटी रहेगी।